सत श्री अकाल पी एन सी एन देख रहे हो खबरों के इस बुलेटिन के स्वागत है। खबरों की शुरुआत करांगे पर सब तो पहला एक नज़र हैडलाइनस से। कैनेडा के इमीग्रेसन विभाग ने अज एक नवे प्रोग्राम के लिए अर्जियां खोल दित्तियां ने। पी आर के लिए है यह प्रोग्राम। यूक्रेन विचों आ रहे ने जो उन्हां दरम्यान किन्हां नहीं दित्ती जाएगी कैनेडा वालों रिफ्यूजियां वजों पनाह, इसके बारे खबरों में देवांगे पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो यूरोप दौरे ते ने, अज किन्हां दे नाल मुलाकात कीती ते की होई गलबात खबरां विच दवांगे पूरी जानकारी। हरमनदीप कौर दियां भावुक हिरदियां दे नाल आखरी रस्मां अदा कीतियां गईयां। टमैरा लिच नूं किन्हां शर्तां दे उत्ते अज जमानत दित्ती गई है, इसके बारे भी दवांगे पूरी जानकारी। ओंटेरियो सरकार केड़े कामियां नूं $5,000 दा बोनस देण जा रही है, इसके बारे भी खबरां विच दसांगे। इस दे नाल ही हुण बुलेटिन की शुरुआत करदे हां। कैनेडा दे इमीग्रेशन मंत्री शॉन फ्रेजर ने अज ऐलान कीता है कि नवा इमीग्रेशन प्रोग्राम जिसके वास्ते अर्जियां अज तों खोल दित्तियां गईयां ने, यह अटलांटिक इमीग्रेशन प्रोग्राम है। दरअसल जो अटलांटिक हिस्सा है कैनेडा का, उस खेत्र के जिन्हें सूबे आते हैं उन्होंने थावान के वास्ते यह प्रोग्राम है, जो कि पी आर का प्रोग्राम है, जिस तहत प्रवासियों बुलाया जा सकता है। जो इंपलॉयर ने वह बुला सकते हैं, तो अगे उन्होंने पी आर की प्रक्रिया है वह शुरू हो सकती है कि सीधी पी आर इस प्रोग्राम के राही प्रवासियों मिलेगी, जिस जो अटलांटिक हिस्सा है जिमें कि थानू दस्या न्यू ब्रंसविक नवा स्कोशिया प्रिंस एडवर्ड आइलैंड न्यूफाउंडलैंड एंड लैबराडोर यह कैनेडा के हिस्से आते हैं जिन्हों के वास्ते यह प्रोग्राम है, जिसके वास्ते कैनेडा के इमीग्रेशन मंत्री शॉन फ्रेजर ने जानकारी दी है। तुसी कैनेडा सरकार की वैबसाइट के उत्ते जाके भी जो अटलांटिक इमीग्रेशन प्रोग्राम यह लिख के अगे देख सकते हो, इस बारे पूरी जानकारी आ जाएगी जिस वास्ते अर्जियां अज तो खुल गई ने, तो इस बारे जानकारी इमीग्रेशन मंत्री ने साझी की है। तो उधर कैनेडा के इमीग्रेशन मंत्री ने एक गल होर खास तौर के उत्ते साफ की है कि जो इस समय यूक्रेन दे विच फसे हुए ने ते यूक्रेन तो बाहर भी आ रहे ने, ते कैनेडा दे विच दो वक्खो वक्खरे प्रोग्राम जो शुरू किए गए ने कि यूक्रेनियन ने जो वह पनाह लै सकते हैं कैनेडा विच आ सकते हैं, ते वीज़ा अपना अप्लाई कर सकते हैं, ते वक्खो वक्खरे तरीके दसे जा रहे हैं जिस तहत वो कैनेडा विच आ सकते हैं। 2 साल के लिए उन्होंने ओपन वर्क परमिट भी मिलेगा, स्टडी परमिट भी मिलेगा, ते रहण दे वास्ते जो उन्होंने काम करन दे वास्ते मौका मिलेगा। तो इस विच ये कहा गया कि जिवें हुण यूक्रेन दे विच किसे होर देश दा जेकर कोई सिटीजन है उन्हां वास्ते चोण नहीं है, जेकर कोई यूक्रेन दे विच फसिया होया पर ओह यूक्रेनियन नहीं है सगों किसे होर देश दे नाल संबंध रखदा है, किसे होर देश की नागरिकता है उसके कोल, तां इह उन्हां वास्ते चोण नहीं है कि वह कैनेडा आके अपने रिफ्यूजी स्टेटस करवा सकते हैं कि रिफ्यूजी वजो पनाह लै सकणगे, अजिहा नहीं है। जिहड़े प्रोग्राम भी लियांदे गए ने ते जो मदद भी दित्ती जा रही है सिर्फ उन्हां दे वास्ते है जिहड़े यूक्रेन दे नागरिक ने, यानी कि जेकर उदाहरण दे तौर ते गल करिए तां जेकर कोई भारती है ते उह यूक्रेन दे विच इस समय मौजूद है ते उह उत्थों दी जंग तों बचण दे वास्ते कैनेडा आउणा चाहुंदा तां उहनां नूं अजिहा मौका नहीं मिलेगा। जो ये प्रोग्राम ने सिर्फ यूक्रेनियनस दे वास्ते ने जिहड़े कि यूक्रेन दे नागरिक ने, उह ही कैनेडा दे विच उन्हों का ही इन्ह प्रोग्राम से राही स्वागत किया जा रहा है। तो उधर जिमें कि थानू असी कल भी जानकारी दिती सी कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इंग्लैंड पहुँच गए ने, जिथे कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के नाल मुलाकात की, नीदरलैंड के राष्ट्रपति दे नाल मुलाकात की है। मुलाकात दी तस्वीर साझिया की गई ने, यूक्रेन के हालात के बारे चर्चा की गई है, तो जो रशिया ने हमला किया है तो यूक्रेन सरहदों के राही यूरोप इसका सेक ना लगे इस तों बचाउण दे वास्ते किहड़े कदम चुके जा सकते ने, ते नाल ही रशिया दे उत्ते होर पाबंदियां दा जिक्र करदे होए इसकी जानकारी दित्ती गई है कि गलबात की जा रही है। 4 देशों के दौरे दे वास्ते यूरप गए ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जिथे कि यह गलबात की जाएगी कि जो मुख्य तौर के उत्ते जाण दा टीचा भी इहो है कि जो यूक्रेन की मदद किस तरह की जानी है, तो अगे यूरप दे जो यूरपी देश ने उन्हां दे उत्ते इसका कोई प्रभाव ना पवे। तो दुनिया पद्धर दे उत्ते समय देखा जा रहा है कि महंगाई एकदम काफ़ी ज़्यादा वध गई है, तो जो एनर्जी नाल संबंधित अदारे ने उस दे विच जिवें प्रभाव पिया है तो उसनू लैके लगातार महंगाई वध रही है, गैस के रेट वध रहे ने, वक्खो वक्खरे पद्धर दे उत्ते दुनिया भर दे विच इसका असर दिखाई दे रहा है। जो रशिया ने यूक्रेन दे उत्ते हमला किया तो उधर कुछ देर पहला ही रशिया दे वल्लों बयान भी दिता गया कि यूक्रेन दे नाल जिहड़ी गलबात दी गल कही जा रही सी कि यूक्रेन जेकर मंगा मन्नण नूं तैयार है तो ही कोई गलबात की जा सकेगी, तो
इस समय तक कोशिशां कीतियां जा रही ने कि गलबात दे नाल सिट्टा निकल सके, पर यूक्रेन दे विच जिवें कि जानकारी सामने आ रही है कि जो संघने रिहायशी खेतर ने उन्हां थावां दे उत्ते वी हुण रशिया ने हमला शुरू कर दिता है कि नागरिकां दे उत्ते इस समय काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पै रहा है, जिन्हां दीआं जिंदगियां बुरी तरह प्रभावित हो रही ने। अगली खबर दे वल रुख करांगे अगे, जिवें कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया दे ओकानागन कैंपस तो एक मामला सामने आया सी कि हरमनदीप कौर जो कि 24 साल लड़की जो कि सिक्योरिटी गार्ड वजो काम कर रही सी उसके उत्ते जानलेवा हमला होया जिसकी जान चली गई सी, ते स्क्वैमिश दे विच 5 मार्च नूं उस दीआं आखरी रस्मां अदा कीतियां गईयां, जिथे कि भरियां अखां दे नाल भाईचारे वल्लों विदायगी दित्ती गई। आखिरी तौर दे उत्ते हरमनदीप नूं उसके परिवार दे वल्लों भी देखिया गया, ते इस मौके अफसोस दा प्रगटावा भाईचारे दे वल्लों कीता गया, ते सोग दी लहर है जो भाईचारे विच देखी जा रही है। वक्खो वक्खरियां थावां दे उत्ते शरधांजली भी दित्ती जा रही है। इंटरनेशनल स्टूडेंट वजो हरमनदीप कौर कैनेडा आई सी, ते कुछ देर पहलां ही वह PR होई सी, ते उस दे अंदर चाह भी सी कि पक्के होण तों बाद वह वापस अपने घर जाएगी, परिवारक मैंबरां नूं मिलेगी। पर इस मौके काम दे उत्ते सवेर दा समां सी जदों उस दे उत्ते एक व्यक्ति ने हमला कर दिता, बुरी तरह जख्मी हो गई, ते जख्मां दी ताब ना चलदे होए उसने दम तोड़ दिता, ते जिसने हमला कीता सी उस दे बारे कहा जा रहा है वह मानसिक तौर दे उत्ते ठीक नहीं सी, ते मामले दी जो जांच भी कीती जा रही है। इस समय हरमनदीप कौर दे वास्ते इंसाफ दी मांग कीती जा रही है, ते इस दे नाल ही कामियां दी सुरक्षा नूं स्थाई बनाउण दे वास्ते भी कई मंगां हुण मुड़ तों उठण लगियां ने कि किसे होर दे नाल भविख विच अजिहा ना होवे, तां इस दे वास्ते कुछ कदम चुके जाण। रुख अगली खबर दे वल करांगे अग्गे, जिवें कि कैनेडा भर विच प्रदर्शन किए गए वैनकूवर तो एक जो रैली भी कढ़ी गई सी ट्रकां दी COVID-19 दीआं हदायतां दे खिलाफ, राजधानी ओटवा दे विच जो प्रदर्शन किए गए, ते इन्हां प्रदर्शनां दे विच जो मोरी सन अगवाई कर रहे सी उन्हां विचों एक टमैरा लिच जिन्हां नूं गिरफ्तार किया गया सी, उन्हां दी हुण कुछ शर्तां दे उत्ते जमानत अज हो गई है। कैनेडा दी राजधानी ओटवा दे विचों प्रदर्शन होए उस दौरान कई गिरफ्तारियां होईयां सन, उस मौके इन्हां प्रदर्शनां दी अगवाई करन वालियां विचों एक टमैरा लिच नूं भी गिरफ्तार किया गया सी, जिस तों बाद हुण जमानत दित्ती गई है टमैरा लिच नूं, पर कई शर्तां दे उत्ते। पहला एक जज ने टमैरा दी जमानत नूं रद्द कर दिता सी, ते हुण सोमवार नूं जमानत दित्ती गई है ओंटैरियो दे एक जज दे वल्लों, जिससे विच इह वी रख्या गया कि $25,000 तक दा बोंड भरवाया गया है, ते नाल ही इस शर्त दे उत्ते जमानत दित्ती गई है कि वह राजधानी ओटवा नूं 24 घंटे दे विच छड़ के चले जाएगी, ते 72 घंटे दे विच ओंटैरियो सूबे नूं छड़ के चले जाएगी, क्योंकि वह अल्बर्टा दी वसनीक है, ते वह वापस अपने सूबे दे विच चली जावे, जिस करके जज ने यह जमानत दित्ती इस शर्त दे उत्ते। जिवें कि 17 फरवरी नूं यह गिरफ्तारी हुई सी, ना सिर्फ टमैरा लिच सगों होर कईयां दी गिरफ्तारी की गई सी, ते जो GoFundMe दे उत्ते फंड भी इकट्ठा किया जा रहा सी, उस फंड नूं इकट्ठा करन वालियां विच्चों भी एक सी टमैरा लिच, जिस नूं के यह गिरफ्तार किया गया, ते $10 मिलियन तक का फंड इकट्ठा हो गया सी, जिस उत्ते रोक लगा दी गई बाद विच के प्रदर्शनकारियां तक वह वित्तीय मदद नहीं पहुँचाई गई, जिस दे विच कैनेडा भर तो दान किए गए सन। अगे जानकारी जिवें कि तुहानूं हैडलाइनस दे विच दस्सिया सी कि ओंटैरियो सरकार ने कामे ने किहड़े कामे ने जिन्हां दे वास्ते $5,000 देण दा ऐलान किया। दरअसल नर्सां दे वास्ते ऐलान किया गया ओंटैरियो सरकार दे वल्लों कि $5,000 की राशि उन्हां नूं दित्ती जाएगी, जो कि बोनस दे तौर दे उत्ते भी देखा जा सकता है। इस नूं ओंटैरियो सरकार ने सूबे विच नर्सां नूं $5,000 तक दी मदद देण दा ऐलान किया है। कुल $763 मिलियन दा निवेश किया जाएगा, जिस दे विच प्रति नर्स नूं योगता दे आधार दे उत्ते $5,000 तक मिलणगे, तां कि उन्हां नूं उत्साहित किया जा सके कि सूबे विच काम कर रहे ने जो हो नर्स वजों ओह उसे तरह अपने काम दे उत्ते बने रहन के काम नूं छड्डण ना, जिस दे विच दस्सिया गया है कि जो योगता रखणगे नर्स उस दे विच $5,000 दी जो उन्हां नूं राशि मिलेगी, ते जो पार्ट टाइम नर्स होणगे उन्हां नूं $5,000 तक दी मदद मिलेगी, पर 2 किश्तां दे विच मिलेगी, ते इस दे नाल ही जो ओंटैरियो सरकार है ओह इंपलॉयर नूं इह राशि देवेगी, ते इंपलॉयर दे वल्लों अगे नर्सां नूं $5,000 दित्ते जाणगे, जो कि इनसेंटिव दे वजों दित्ते जा रहे ने, ताकि अपने काम नूं कुछ उसे तरह जारी रखिया जावे नर्सां दे वल्लों, क्योंकि जो इस समय सिहत अदारियां दे उत्ते काफ़ी बोझ भी पिया, ते लगातार काम करन दे करके नर्सां दे वल्लों कुछ अजिहे फैसले भी लए जाण लगे कि ओह काम छड्डण तक मजबूर होए,
जिस दे विच सरकार दे वल्लों कुछ इस तरह उन्हां दी हौसला अफजाई की जा रही है, जिस दे विच ये भी दस्या गया कि जेडे पार्ट टाइम नर्स होणगे उस दे विच जो पहली किश्त मिलनी है वह इस आधार के उत्ते होवेगी कि 31 मार्च नूं जदों उन्हां नूं यह मदद मिली तां उह काम दे उत्ते बने हुए सी, ते उस तों बाद 1 सितंबर तक दूजी मदद दे वास्ते देखा जाएगा कि वह काम दे उत्ते बने हुए सी। ते कुछ इस तरह ही मदद दिती जा रही है, ते जो फुल टाइम नर्स ने उन्हां नूं इकट्ठा $5,000 सरकार दे वल्लों दिते जाणगे इंपलॉयर दे राहीं। अगे जानकारी है कि सिटी ऑफ ओटवा दे वल्लों एक वड्डी रणनीति बनाई जा रही है शहर दे कूड़े नाल संबंधित, जिस नूं लैके उत्थों दे वसनीकां तों सलाह भी मंगी जा रही है, मशवरा मंगिया जा रहा है एक सर्वेखण दे राहीं। उस दे बारे हुण तुहानूं पूरी जानकारी दस्सांगे। सिटी ऑफ ओटवा दे वल्लों उत्थों दे वसनीकां तों इस गल दे उत्ते मशवरा मंगिया जा रहा है कि कूड़े दे उत्ते अगे किवें काम कीता जावे तां कि जीरो वेस्ट सिटी बन सके ओटवा। अगले कई साल तक दा प्लान बनाया जावेगा जो कि अगले साल तक जारी कर दिता जावेगा, सॉलिड वेस्ट मास्टर प्लान, जो कि एक वड्डी रणनीति होवेगी कि शहर दे कूड़े नाल किस तरह नजिठिया जावे कि जीरो वेस्ट सिटी बनाया जा सके, कि अगले 30 साल तक दा यह प्लान होवेगा। जो इस सर्वेखण दे विच भाग लेना चाहुंदे ने उसका जो लिंक है उत्थे जाके इस विच भाग लिया जा सकदा है, ottawa.ca/waste plan। इस उत्ते जाके वक्ख वक्खरियां भाषावां दे विच चोण दित्ती गई है जिस विच जाके भाग लिया जा सकदा है। हुण तो लैके यह सर्वेखण खुला है ते 8 मई तक इस विच हिस्सा लिया जा सकदा है। वक्ख वक्खरियां 10 भाषावां दी चोण दित्ती गई है पर उस दे विच हिंदी जां पंजाबी शामिल नहीं है। ते इस नाल ही जेहड़े कंप्यूटर दे उत्ते इस सर्वेखण विच हिस्सा नहीं लै सकदे उह फोन करके 613-580-2424 उत्ते अगे एक्सटेंशन 25-550 की वरतों कर सकते हैं, तो इस सर्वेखण के हिस्सा लै सकते हैं, तो मशवरा दे सकते हैं। जिस जिहड़े रीसाइकलिंग प्रोग्राम है उन्होंने होर वधिया किए जाने के बारे सवाल ने, तो इस नाल ही वित्तीय पद्धर के उत्ते किवें इस दे नाल काम किया जाना है, तो जो पार्कस दे विच कूड़ा हुंदा है उसनू अगे किवें ते कदों तक उस कूड़े नू इकट्ठा किए जाने के बारे, तो नाल ही खास तौर दे उत्ते जो जनतक थावां ने उन्हां तों उस कूड़े नू किवें इकट्ठा किए जाने के बारे, तो अगे किस तरह रणनीति दे उत्ते काम किया जाना चाहीदा है। इस सर्वेखण विच इस संबंधी सवाल ने जिस दे विच भाग लिया जा सकता है, जो कि सिटी ऑफ ओटवा दे वल्लों इस समय जानकारी दित्ती जा रही है, तो अगले साल सॉलिड वेस्ट मास्टर प्लान का ऐलान किया जाएगा। ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਓਟਵਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ $2 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੈਸ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 13 ਸੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੱਸਦੇ। ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 13 ਸੈਂਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਫਾਨਵਰਥ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦਾ ਰੇਟ $2 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਈਕ ਫਾਨਵਰਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੈਸ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਕ ਫਾਨਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਕ ਫਨਵਰਥ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1 ਤੋਂ 1 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ 1 ਸੈਂਟ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਈਕ ਫਨਵਰਥ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 1 ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ $150 ਤੱਕ ਦੀ ਰੀਬੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।